सहारनपुर में घटी एक छोटी सी घटना देखते ही देखते नासूर बन गई। जातीय संघर्ष में कई लोगों की जान गई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उपद्रवी कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्रशासन भी अपने स्तर पर कई तरीके की गलतियां उसने भी की और इसके लिए जिम्मेदारी भी तय हुई। लेकिन जब धीरे धीरे सहारनपुर शांत होने लगा, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, तब शुरू हुआ पॉलिटिकल टूरिज्म का दौर, यानी नेताओं की सियासत चमकाने का सिलसिला। पहले मायावती पहुंची और अब राहुल गांधी जद्दोजहद कर रहे हैं। सबको पता है कि मायावती के पहुंचने के बाद वहां क्या हुआ, हिंसा की आग और भड़क गई। सवाल यह है कि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं के बाद राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बास क्यों नहीं आते। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनेता ही हो सकते हैं जो किसी भी हालात के फायदे उठाने में पीछे नहीं होते। सहारनपुर में भी ऐसा ही हुआ। सहारनपुर हिंसा की आग में झुलसता रहा, लेकिन नेताओं की बयानबाजी थमी नहीं। फिर शुरू हुआ पॉलिटिकल टूरिज्म का सिलसिला, पहले मायावती और अब राहुल गांधी। सहारनपुर में पॉलिटिकल टूरिज्म जारी है। सहारनपुर में आया नेतागिरी का मौसम। शांत होते सहारनपुर में नेताओं के पड़े कदम, पहले मायावती अब राहुल का टूरिज्म। लगता है कि सहारनपुर की जातीय हिंसा ने नेताओं के लिए नेतागिरी चमकाने का मौका दे दिया है। सहारनपुर को शांत करने के लिए यूपी सरकार और प्रशासन हर मुमकिन कोशिश में है, लेकिन लगता है कि राजनीतिक दल इतनी आसानी से इस आग को बुझने नहीं देने वाले। ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं तो और क्या है, पहले मायावती और अब राहुल गांधी। हालात जैसे ही ठीक होने को होते हैं, कोई न कोई सियासी दल वहां पहुंचकर हिंसा की बुझती आग को भी हवा दे आ रहा है। लेकिन मेरा सर्व समाज के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को और खास तौर से इस देहात के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को हमेशा इस गांव में रहना है। दलितों को भी रहना है, पिछड़ों को भी रहना है, और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन सबको रहना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, वो लोग तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आप लोगों का होगा। कभी धर्म तो कभी जातीय संघर्ष तो कभी महापुरुषों की आड़ लेकर, सवाल है कि आखिर इस हिंसा के पीछे वो कौन लोग हैं जो उसे बुझते देखना नहीं चाहते। आखिर प्रशासन ऐसे राजनीतिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता जो किसी न किसी तौर पर इनमें शामिल रहा है, जबकि राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस हिंसा के पीछे सियासी साजिश है। षड्यंत्र के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब किया जाए या खराब हो, इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन हम उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे और जो लोग इन षड्यंत्रों के पीछे हैं उनको बेनकाब करेंगे। ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं तो और क्या है। जब सहारनपुर की आग शांत पड़ने लगी थी, तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती दल बल के साथ शब्बीरपुर गांव जा पहुंची, जबकि उन्हें पता था कि उस वक्त सहारनपुर का दौरा लोगों के गुस्से को और भी भड़का सकता है। इसके बावजूद मायावती वहां पहुंची। इस दौरान पीड़ितों के जख्मों पर मरहम कम, बयानबाजी ज्यादा हुई। ये दंगे नहीं होने दिए, सांप्रदायिक तनाव हमने उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं होने दिया, लेकिन दुख की बात ये है कि हमने उत्तर प्रदेश में जो सर्व समाज में जो भाईचारा पैदा किया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी तो इस भाईचारे को तो जातीय तनाव के आधार पर या जातीय दंगों के आधार पर इस भाईचारे को ये बिगाड़ना चाहती है, खत्म करना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूरी कोशिश है। नतीजा ये हुआ कि सहारनपुर से जैसे ही मायावती निकली, हिंसा की चिंगारी आग में तब्दील हो गई। वो इस चीज को करना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ पे सिचुएशन और बिगड़े, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि मायावती जब जी गई थी उनको परमिशन दिया, मगर वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने भड़काऊ जो भाषण दिए उससे सिचुएशन खराब हुई।
नेताओं की कोई हद नहीं होती, राजनीति चमकाने का मौका हो तो फिर उसे गंवाने में जरा भी देर नहीं लगाते। राहुल गांधी पूरे साल सोते हैं, देश की दूसरी घटनाओं पर आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन यूपी की छोटी सी छोटी घटना पर राजनीति चमकाने निकल जाते हैं। ये बात और है कि उनकी पार्टी के नेता उन्हें सामाजिक सरोकारों से जुड़े नेता बताते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वह सामाजिक सौहार्द के लिए सदैव प्रयत्न करती रही। हमारे तमाम नेताओं ने इसके लिए कुर्बानी भी दी है कि एक राजनीतिक दल को तो इजाजत दी जाती है, दूसरे अन्य दलों को इजाजत दी जाती है, और जो इस देश का सबसे बड़ा मुख्य विरोधी दल है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को इजाजत न दी जाए, ये बात समझ में नहीं आती। यूपी सरकार भी अच्छे से वाकिफ है कि कुछ नेता पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए सहारनपुर के हालात को और बिगाड़ने पर तुले हैं। उनकी छोटी बयानबाजी हिंसा की आग को और भी बढ़ा सकती है। यही पॉलिटिकल टूरिज्म कोई करना चाहता है और राहुल गांधी जी उसमें मास्टर हैं, उसी से उनकी राजनीति चमकती रही है, तो वो उसकी इजाजत हम लोग नहीं देंगे। अच्छा तो ये होता कि सहारनपुर के हालात से राजनीतिक दल दूर ही रहते, क्योंकि उनके इस तरह के पॉलिटिकल टूरिज्म से वहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। उल्टे गैर जरूरी बयानबाजियों से हालात और भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन इन नेताओं को कौन समझाए, कौन बताए कि हालात से आप नहीं बल्कि प्रशासन को निपटना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, हम आपको दिखाते हैं कि सहारनपुर सीमा पर किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि राहुल गांधी को रोका जा सके। जी मीडिया संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट देखिए। इस समय हम खड़े हैं यमुना नदी के पुल के बीचों बीच, जहां पर आप देखेंगे कि प्रशासन मौजूद है। एक तरफ सहारनपुर का बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ हरियाणा का बॉर्डर यमुना नगर का लगता है, और आप देखेंगे इस पुल के बीच में डीएम है और जो एसएसपी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जो सिविल ड्रेस में वो डीएम है और साथ में आप देखेंगे कि नीली कैप लगाए हुए एसएसपी हैं, और ये दोनों लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनको सहारनपुर की सीमा में दाखिल होने से पहले ही बीच में ही उन्हें रोक लिया जाएगा और यहाँ से उनको वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप इससे जब आगे बढ़ेंगे तो चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट पे जो है कि प्रशासन के लोग हैं, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ताकि किसी भी तरीके से उनकी कोई भी गाड़ी या कोई भी नेता सहारनपुर में न दाखिल हो सके। वजह यह है कि जो स्थिति सामान्य अब तक हुई है उसको किसी भी तरीके से बिगड़ने नहीं देना है, और यही वजह है कि किसी भी नेता को सहारनपुर में एंट्री नहीं दी जाएगी। आप जिस पुल को देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इसकी दूसरी तरफ जो आपको जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आगे जब पुल खत्म होता है तो यहां से यमुना नगर का बॉर्डर लगता है। वहीं जो जहां पर हम खड़े हैं, ये जगह अब सहारनपुर और यमुना नगर का बीच का बॉर्डर है, और बीच के बॉर्डर के पुल पर हम खड़े हैं और साथ में तमाम प्रशासनिक इकाई खड़ी है। वजह उसकी सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, कोई भी ऐसा शख्स अंदर नहीं जाना चाहिए जिसकी वजह से सहारनपुर का माहौल फिर से बिगड़े, और यही कोशिश के चलते राहुल गांधी को भी रोकने की यहां पर कोशिश की जा रही है, जिसके लिए उनको जैसे ही उनको पता चला कि इस रूट से राहुल गांधी आ रहे हैं तो यहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ सर्वेश मिश्रा, जी मीडिया सहारनपुर। और इस वक्त हमारे साथ सहारनपुर बॉर्डर से ही सर्वेश भी जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे हैं। सर्वेश, मुझे एक बात बताइए कि हम ये देख रहे हैं आपकी रिपोर्ट में भी हमने समझा कि किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, डीएम खुद वहां पर है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी पहुंचते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या करेगा प्रशासन? जी बिल्कुल श्रोता, इस सवाल का जवाब हम सीधे कांग्रेस नेता इमरान मसूद से ही लेंगे, क्योंकि वही उनके वेलकम करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार यहाँ की तस्वीर दिखा दूं जहाँ पे हम खड़े हैं, किस तरह से बॉर्डर पे यहाँ पे हम हैं, जहाँ पे प्रशासन ने उनको रोकने की व्यवस्था की है, और ये सामने पुल है जहाँ पे आप देखेंगे कि जाम लगा हुआ दिख रहा है आपको, इसी रास्ते से राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। अगर राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया जाता है तो कांग्रेस के लोग क्या करेंगे, आइए जानते हैं हम। इमरान जी, अगर आप लोग जिस तरह से तैयारी से यहाँ पे आए, आपके समर्थक भी हैं, पीएल पुनिया जी भी यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए, अगर प्रशासन जिस तरह से यहाँ पे तैयार, प्रशासन ये कह रहा है कि वो नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पे, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी आने दीजिए, राहुल जी आ जाएं, राहुल जी के आने के बाद निर्णय होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग अव्यवस्था फैलाने वाले लोग नहीं ना, हम लोग अव्यवस्था करना चाहते, हम लोग व्यवस्थित तरीके से, हमने प्रॉपर तरीके से उनसे इजाज़त मांगी थी कि
हमें इजाजत दी जाए। लेकिन इजाजत नहीं मिली उसके बाद भी इस तरह से आने की जिद आखिर क्यों? नहीं नहीं, अब हमें समझ में आता है कि उनके आने से दिक्कत क्या है। हम केवल अस्पताल के अंदर जाना चाहते थे कि अस्पताल के अंदर हमें सिर्फ इजाज़त दे दें कि अस्पताल के अंदर जो पीड़ित लोग हैं, जो चोट चुटैल लोग हैं, उनसे मिलने, सर्किट हाउस के अंदर जो जिनके मृतक हैं उनके परिजनों से मिलने, जिनके घर जल गए उनके परिजनों से मिलने। सवाल ये करिए कि मेल मुलाकातों का दौर अभी ये क्यों कर रहे हैं जब प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि अभी वहां की सिचुएशंस को देखते हुए नेताओं का वहां जाना ठीक नहीं है, तो फिर इस बात की होड़ क्यों लगी हुई है, क्यों जबरदस्ती की जा रही है? जी बिल्कुल श्वेता, एक सवाल ये है कि जब प्रशासन, आपने अनुमति मांगी, प्रशासन ने मना कर दिया और प्रशासन ने यह भी कहा कि अभी यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए क्योंकि माहौल सामान्य नहीं है, उसके बाद ये बात तो बाद में भी आ सकते थे लेकिन अभी आने की जिद नहीं। देखिए, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि राहुल जी के आने से कौन सा माहौल ऐसा मान्य हो जाएगा। हम लोग शब्बीरपुर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एडमेंट नहीं है, शब्बीरपुर के लोग यहाँ खुद उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो प्रशासन ऐसी क्या चीज़ है जो छुपाना चाहते हैं जो राहुल गांधी के आने के बाद एक्सपोज हो जाए। प्रशासन का कहना है कि मायावती भी ऐसे ही कह के आई थी कि उनको लोगों से मिलना था लेकिन उनके आने के बाद माहौल दूसरा हो गया और शायद यही कोई और नेता भी आएगा तो ऐसी स्थिति बनेगी, इसलिए रोकने की। देखिए, मायावती जी आई थी, उनके आने के लिए स्टेज लगा, लाउड स्पीकर लगा, ना यहाँ कोई स्टेज है, ना यहाँ लाउड स्पीकर है, ना हम लोगों ने कोई ऐसा इंतजाम किया कि जो जिससे ये महसूस हो कि ये कोई हम लोग सभा करने जा रहे हैं। सर्वेश, फिलहाल यहाँ पर स्पष्ट जवाब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि राजनीति हो रही है और कैसे राजनीति कर ली जाए इसकी एक कोशिश होती नजर आती है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे सीधे अभी जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं लेकिन कांग्रेस यहाँ पर ये कह रही है प्रदेश सरकार को लेकर कि प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है और अपराध के प्रति सरकार की मौन सहमति है। मुझे हमेशा मानना है कि राजनीति में लाशों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज की स्थिति जो है वो संवेदनशील स्थिति है जी। वहां प्रशासन जो है एक कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है और जो कि आ भी गई है। ऐसे समय में हमेशा प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। सामान्य स्थिति हो जाए उसके बाद जितनी राजनीति करनी है करें, जिसको जो बोलना हो, जिसको जिसके ऊपर इल्जाम लगाना हो, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन, जिसको जो राजनीति करनी है करें। लेकिन जब तक वहाँ संवेदनशील स्थितियाँ बनी रहती हैं, राजनीति का ये धर्म है क्योंकि लोगों के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने से वोटें नहीं मिलती हैं। आप लोगों के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझिए। क्या उत्तरदायित्व है? कोई राजनीतिक दल चाहता है क्या कि कहीं भी जो है कानून व्यवस्था जो है खराब? नहीं चाहता ना, चाहना भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आपके ना जाने से वहाँ सहयोग हो रहा होगा और वहाँ जाना या नहीं जाना, इसके परिणाम क्या निकलने वाले, इसका सबसे ज़्यादा आंकलन जो होता है वो स्थानीय प्रशासन पे होता है। हम लोग भी इतने साल प्रतिपक्ष में रहे यूपी में, दसियों वारदातें हुई, हम लोग ने भी कभी, लेकिन किसी ने जाके हठधर्मी नहीं दिखाई वहां पे। सर ये तो आप अपना एसपीजी का जो सुरक्षा, सुधांशु जी ये बात तो आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरठ में क्या कुछ हुआ था लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब गए थे, तो ये बात शायद नहीं कही जा सकती है। चाहे कोई सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो एक कोशिश जरूर होती है कि उसको राजनीतिक तौर पर भुनाया जाए। लक्ष्मी, सुनिए मैं आपको बता, मेरे से पूछ लीजिए जी, मैं थोड़ा आपको बता दूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कौन सा सुरक्षा कवच तोड़ताड़ के जबरदस्ती घुसे थे, कहां पे बताइए, कहां घुसे थे? एक ये है कि उनको अपनी बाहर उससे सीमा पे अपनी गिरफ्तारी दर्ज करवानी, जरूर दर्ज करवाएं, लेकिन जबरदस्ती कहीं जाके वहां पर राजनीति करना किसी ने नहीं करा है। मैं बड़े उससे आपको वो कहना चाहता हूं। और प्रश्न मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि इस समय की स्थिति में समय की मांग क्या है? समय की मांग है कि पहले स्थिति जो है नियंत्रण में हो, सामान्य हो जाए। सामान्य होने के बाद किसने रोका? जो जिसको करनी करे। मुझे लगता है उत्तरदायित्व अपना समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी जो जिस पद पे राहुल गांधी विराजमान है उनको है। अपने पद की गरिमा और समझ उसकी उससे जो अपेक्षा है उनको। सुधांशु जी मेरे साथ इस वक्त सुलेमान मोहम्मद खान साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस लीडर हैं आप, आपका भी स्वागत है। सुलेमान मोहम्मद साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस तरह से सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं, पहले माहौल को, मामले को शांत तो हो जाने दीजिए, उसके बाद जब भी जितनी बार भी जाना है चले जाइएगा, आज ही क्यों?
अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सुधांशु मित्तल जी या भाजपा इतनी इतनी परेशान क्यों है, अगर राहुल गांधी जी जो लोगों के साथ ज्यादती हुई है, जो फेलियर हुआ है गवर्नमेंट के पार्ट पे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार के जो इरेस्पॉन्सिबिलिटी है या जो फेलियर इनका है गवर्नमेंट का, उसको छुपाने के लिए अभी इसको इशू बना रहे हैं कि राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं देंगे या उन्हें जाने नहीं देंगे, या वो अगर वहां जाएंगे तो इनको परेशानी होती है। सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग 3-4-5 साल से यही कहते रहते थे कि यूपी में गुंडा राज है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली फेलियर है, जो मुस्तकिल इसी बात का डंका पीटते थे, 2 महीने से ज़्यादा हो गए इनकी सरकार बने हुए वहाँ पर, और यूपी में कानून व्यवस्था का जो हाल है वो पूरे प्रदेश के सामने है और पूरे मुल्क के देश के सामने है। तो आज आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे फेलियर हुई है, और अगर कुछ लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और सरकार उन लोगों को सपोर्ट कर रही है, और जो लोग मर रहे हैं या पिट रहे हैं उनके साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं, सुधांशु जी कोई सहानुभूति नहीं है आप लोगों की, और आप लोग राहुल गांधी को जबरदस्ती रोक रहे हैं, ये बात कह रहे हैं यहाँ पर सुलेमान साहब। एक और सुधांशु मित्तल जी ये भी बता दें कि जब दादरी में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, जो उसका कत्ल, जवाब ले लेते हैं सुलेमान जी, जरा जवाब ले लेते हैं, फिर संगीत सोम और तमाम लीडर गए थे बीजेपी के, तब नहीं गए थे, तब आप नहीं गए थे, देखिए, और तब तो भाषण हुए थे, चलता जा रहा है जो कि कभी रुकेगा नहीं क्या। अब मेरी बारी है सुलेमान साहब, जरा मैं अपनी बात कर रख लूं, मैं अब तो मेरी बारी है, मुझे मेरी बात ही करने दीजिए ना। स्पष्टता से बात अपनी पूरी कर, आपको राजनीति करनी है आपको मुबारक हो, आपको हल्की राजनीति करनी हो और मुबारक हो, आपको नकारात्मक राजनीति करनी हो उससे ज्यादा मुबारक हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको जो करना करिए। कानून व्यवस्था को संभालने का कार्य जो है वो प्रशासन का है, जहां प्रशासन की चूक हुई आपने देखा कि वहां के डीएम और एसएसपी को सस्पेंड इसीलिए करा गया, प्रशासन अपना काम करेगी, उसमें हमारे पे किस बात का फिर भी इल्जाम लगा रहे हैं भाई, आप करनी है राजनीति जरूर करिए, स्पष्टता से जो प्रशासन का कार्य है वो प्रशासन जरूर करेगा, और उसका कार्य स्थिति को सामान्य बनाना, संवेदनशील स्थिति में किसी को भी उपद्रव ना करना या किसी को भी और भड़काने की स्थिति में लाने का। सुलेमान जी ये बताइए ना कि अगर प्रशासन ये बात कह रहा है कि अभी जाना सही नहीं है, अभी कि हमारा सुरक्षा के लिहाज से वहाँ की सिचुएशंस के लिहाज से जाना ठीक नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों प्रशासन को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, क्यों आप लोग अड़े हुए हैं? सीधा सीधा तो सवाल ये है कि क्यों इतनी जल्दबाजी। ठीक है, देखिए अजीब स्टेट है, अजीब माहौल है इस वक्त पूरे देश में, और बतौर खास जहां जहां जिन सूबों में जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, अजीब माहौल है। सर आप क्या कर रहे हैं सर, मुझे ये जवाब दीजिए ना, जो आप लोग कर रहे हैं वो ठीक है, अगर आज सिचुएशन टेंस हो जाती है तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि राज्य सरकार की गलती थी, पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्या इस बात की गारंटी है कि उसके बाद माहौल ठीक रहेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं, कह ली आप ने, आपने कह ली अपनी बात जी, बताइए जवाब दीजिए। मैं बात कह ही रहा था, अगर आप, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो माहौल है इस टाइम उत्तर प्रदेश में राज्य में वो ऐसा है कि प्रशासन की आप बात कर रही हैं, सहारनपुर के एसएसपी तक तो सेफ है नहीं, उनके घर पे हमला हो गया, एसएसपी की फैमिली परिवार बीवी बच्चे माफी तलाफी कर रहे हैं और अपनी जान बचा के भाग रहे हैं भाजपा के लोगों से, जब ये हमले करते हैं एसएसपी के बंगले पे हमला करा। सर आपके पास सर, मेरा सीधा सवाल यही है कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों? राहुल गांधी जाएंगे, सुनिए राहुल गांधी का जवाब दे रहा हूं मैं, कि आप ये बात करती है कि राहुल गांधी जी वहां जाएंगे कानून व्यवस्था खराब होगी, सर मैं नहीं कहना चाहती हूँ, कानून व्यवस्था खराब करने जा रहा हूँ, शर्म आना चाहिए आपको, कानून व्यवस्था इनके लोग खराब कर रहे हैं, भाजपा के एसएसपी के तक तो हमला करवा दिया है, गौरक्षकों को लाइसेंस दिए हुए इन्होंने और एंटी रोमियो स्क्वाड्स को, आप कहते हैं राहुल गांधी जी जाएंगे कानून व्यवस्था। चलिए मैं जरा सुधांशु मित्तल जी से जवाब ले लेती हूँ, सुधांशु मित्तल जी गलत है रोकना, ये कहा जा रहा है जी बिल्कुल, क्योंकि इनको इस समय दिक्कत इस बात की है कि महिला सुरक्षा यूपी में जिस स्तर की आज है शायद कभी नहीं देखने को मिली,
आज यूपी में बहू बेटी अपने घर से चार औरतों का बलात्कार हुआ है जेवर में। अभी सुधांशु जी मुझे लगता है आप टीवी और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे प्रशासन में वहाँ पे। अब आप बीच में ना बोले, थोड़ा सा तेजी दिखाएं आप सुलेमान साहब, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, थोड़ा सा तेजी दिखाएं, थोड़ी सी तेजी दिखाएं आपको, थोड़ी सी। आप सभ्य आदमी है, आप असभ्य नहीं है तो सभ्यता दिखाइए, माफ करिएगा। तो यहाँ पे इनकी समस्या ये है, मुझे आपसे खलबलाहट नहीं है। अब एक स्टोरी आई कि भाई चार महिलाओं के साथ शोषण हुआ उनका, चाहे तो चुप रही है। अगर आपको तमीज सीखने की जरूरत नहीं है तो चुप रहिए, तमीज दिखाइए, जनता देख रही है कितनी बदतमीजी आप कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि यहाँ पे जो भी बदतमीजी नहीं करी, दुराचार किसी के साथ हुआ उसमें कानून ने क्या कार्रवाई करी, यह महत्वपूर्ण होता है। वहां संरक्षण किसी को नहीं मिला, फौरन जो है कानून, जो है कानून ने अपना काम कर। अच्छा थोड़ी प्लीज हम लोग सभ्यता से चर्चा कर सकते हैं। तो कानून ने फौरन अपना काम करा, कानून ने फौरन हर एक के खिलाफ कार्रवाई करी है, और जो सत्यता है सामने आएगी, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है यहां पे। इनकी दिक्कत यह है कि महिला सुरक्षित महसूस कर रही है, इनकी दिक्कत यह है कि थाने में जाके लोगों को अब घबराहट नहीं हो रही कि मैं FIR लिखवाना चाहता हूं तो FIR लिखेगा नहीं लिखेगा। इनकी समस्या यह है कि अब किसी को यह नहीं सोचना पड़ रहा कि क्या मैं एक विशेष धर्म का हूं तभी मेरी FIR लिखी जाएगी, या एक विशेष जाति का हूं तब मेरी FIR लिखी जाएगी, या हर एक को सुरक्षा है, हर एक की कंप्लेंट पे यहां पे कार्रवाई की जाती है। कभी इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोई भी कानून व्यवस्था में अगर कोई कुटाई होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर कि स्थिति को सामान्य हो जाने दीजिए, उसके बाद जो राजनीति करनी हो आपको करेगा, जो संघर्ष करना होगा, जो आंदोलन करना होगा, जो जनता में संदेश देना होगा दीजिएगा। प्रशासन आपसे महिलाओं की महिला सुरक्षा पे सुधांशु जी कम से कम आंकड़े ले लिए आप अपनी सरकार से, जो बुरा हाल हुआ है महिलाओं के साथ और इन जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आप थाने की बात सर, आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते ही रहेंगे, पार्टी के लोगों ने आगरा में सदर समय की पाबंदी है, आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे। आप ही ने दिखाया है, नहीं पाबंदी नहीं, सदर थाने की पुलिस को मारा है समय की पाबंदी है भाजपा के लोगों ने, और धमकियों के तो जाने कितने वीडियो आ गए। सर मेरे पास समय की पाबंदी है, मुझे चर्चा को यहाँ रोकना होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा राजनीति में, लेकिन बहुत अहम सवाल है संवेदनशील मुद्दों को, क्यों राजनीति की भेंट चढ़ाने की कोशिश होती है, क्यों नहीं इन मामलों को समझने की कोशिश होती है संजीदगी से। सुलेमान साहब जुड़े, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। सर्वेश में अपडेट आपसे लूंगी, आगे भी जानकारी फिलहाल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।